सुरेश और निशा दोनों ही एक दूसरे को बहुत चाहते थे। दोनों ने ही जवानी की दहलीज पर कदम रखते ही एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खाई थी, लेकिन उस समय आज की तरह का नया जमाना नहीं था। निशा की शादी उसके माता पिता ने अपनी मर्जी से कर दी और सुरेश चाहकर भी कुछ न कर सका। उधर सुरेश के घर वालों ने भी सुरेश की शादी कर दी। लड़की बहुत सुंदर थी, लेकिन सुरेश तो निशा का दीवाना था, इसलिए उसकी पत्नी में सुरेश का कोई मोह नहीं था। निशा अब अपने परिवार की जिम्मेदारियों में व्यस्त हो गई थी और सुरेश भी अपनी नापसंद लड़की के साथ जीवन यापन करने लगा था। दोनों के ही परिवार में बच्चे भी हो गए थे, परंतु जीवन साथी से दोनों के ही विचार नहीं मिलते थे, इसलिए आए दिन छोटी छोटी बातों पर तकरार हो जाती थी। कालांतर में दोनों ने ही अपने बच्चों की शादी करके अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली थी। अब तो परिवार में अपने अपने जीवन साथी से लड़ाई झगड़े के अलावा कोई दूसरा काम रह ही नहीं गया था, इसलिए दोनों ने ही अपने अपने जीवन साथी से विधिवत तलाक ले लिया था। सुरेश तब तक नया जमाना भी आ गया था, इंटरनेट का युग था और शायद भगवान को भी यही मंजूर था। एक दिन और निशा दोनों ही इंटरनेट के जरिए फिर एक दूसरे से जुड़ गए। एक दूसरे के बिना दोनों को ही चैन नहीं मिलता था। ऐसा लगता था कि दोनों का पूर्व जन्म का कोई रिश्ता रहा होगा। दोनों की घंटों नेट पर बातें होती थी। अब एक दिन वो समय भी आया कि दोनों फिर से विवाह के सूत्र में बंध गए। दोनों में अब जवानी जैसा रूप और लावण्य नहीं था, मगर दिलों में बेइंतहाशा प्यार था। दोनों ही बहुत खुश थे, क्योंकि असली प्यार तो दिलों में ही निवास करता है और अंत में सच्चा प्यार जीत ही जाता है। अब तो दोनों ने भगवान का शुक्रिया अदा किया और कहा कि हे ऊपर वाले, तेरे घर देर हैं मगर अंधेर नहीं है।